हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाटर पावर चैनल। आज हम देखेंगे कॉमन बॉयलर फीड वाटर कंटेमिनेंट्स, देयर इफेक्ट एंड देयर पॉसिबल ट्रीटमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, हमने तीन विभागों में डिवाइड किया है। पहला आता है इम्प्योरिटीज़, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसा करें। पहले आता है मोस्ट डेंजरस इम्प्योरिटी, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट में, इससे हमारा वाटर में स्मेल आता है, कोरोजिव टू मोस्ट मेटल्स, बिकॉज हाइड्रोजन है। किसी भी केमिकल में हाइड्रोजन रहा तो ज़्यादा एसिडिक रहता है फ्रेंड्स, तो एसिडिक रहेगा तो जनरली वो कोरोजन ही करता है हमारे मेटल बॉडी को। इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, एरेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन। फ्रेंड्स एरेशन ट्रीटमेंट और फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन के साथ हम इसको रिमूव कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन सल्फाइड को। एरेशन कहाँ होता है, हमारे डी एरेटर में एरेशन होता है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसका इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, कोरोजिव, ये भी कोरोजन कर सकता है। फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड इन कंडेंसेट, इट्स इंपॉर्टेंट, कार्बोनिक एसिड इन कंडेंसेट। डी एरेशन न्यूट्रलाइजेशन विथ अल्कालीज, आपका अल्काली केमिकल डोज करेंगे फीड वाटर में तो इसका CO2 का कम हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा O2, मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आपको पता रहनी चाहिए, ये हाईली कोरोजन केमिकल होता है फ्रेंड्स, कोरोजन एंड पिटिंग ऑफ बॉयलर ट्यूब्स, इससे कोरोजन एंड पिटिंग होता है फ्रेंड्स। इसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, डी एरेशन के साथ सोडियम सल्फाइड हाइड्राजाइन। हाइड्राजाइन एक मोस्ट प्रेफरेबल ऑक्सीजन स्कैवेंजर है फ्रेंड्स। उसके बाद आती है सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये सब सोल्यूबल गैसेस है फ्रेंड्स। सोल्यूबल गैसेस में गैसेस को हम मेजरली एरिएशन के साथ ही रिमूव करते हैं इन बॉयलर में, ओके। उसके बाद आता है सस्पेंडेड सॉलिड्स, उसके सेडिमेंट एंड टर्बिडिटी। उसके बाद में आपको पता ही होगा टर्बिडिटी मतलब एक घन पदार्थ जो गुल सब कुछ घुलने के बाद पानी में रह जाता है। स्लज एंड स्केल कैरियर, इससे स्लज एंड स्केल कैरियर होता है। स्लज एंड स्केल कैरियर बॉयलर में कैरियर हो गया तो टर्बाइन ब्लेड को इनअप्रोप्रिएट मूवमेंट कर सकता है। इससे हम क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, मतलब आप मैंने क्लैरिफायर में तीन तरह के केमिकल डोज करते हैं ना फ्रेंड्स, अलम, पॉलीमर एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट, इससे हम सेडिमेंट और टर्बिडिटी को कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है, कैरी ओवर होता है, फोमिंग होता है, डिपॉजिट कैन क्लॉग पाइपिंग कॉज कोरोजन, ये सब प्रॉब्लम हमारे ऑर्गेनिक मैटर से होती है। इससे भी हम क्लैरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन एंड केमिकल ट्रीटमेंट के साथ हम ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर पर्टिकुलरली हम नहीं बता सकते फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी हो सकता है, हम इसे क्लैरिफिकेशन हमारा अच्छा रहा तो ऑर्गेनिक मैटर हमको कम करके ले सकते हैं। उसके बाद आता है डिजॉल्व्ड कोलोइडल सॉलिड्स, मतलब ये सब अभी सस्पेंडेड सॉलिड हो गए, अभी TDS हम देखेंगे, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, मतलब मिनरल वगैरह हो गया, ऑयल, ग्रीस, ये सब डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं फ्रेंड्स। उसके बारे में चलो अब जान लेते हैं। ऑयल एंड ग्रीस फॉर्मिंग एंड डिपॉजिट्स इन बॉयलर। ऑयल एंड ग्रीस हमारा क्या करता है, फॉर्मिंग करता है। फॉर्मिंग के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया फ्रेंड्स, आपको वीडियो चाहिए तो ऊपर एक लिंक दिख रहा है, उधर जाके आप देख सकते हो। कोगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन, कोगुलेशन हमारा मोस्ट प्रेफरेबल कोगुलेंट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वी जनरली कॉल इट एज अलम। उसके बाद आता है हार्डनेस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्डनेस का मतलब ही होता है फ्रेंड्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इससे क्या होता है, स्केल डिपॉजिट इनहिबिट हीट ट्रांसफर, कैन लीड टू बॉयलर ट्यूब बर्न थ्रू एंड फेलियर। ये कैसा हो सकता है फ्रेंड्स, स्केल डिपॉजिट अगर मान लीजिए हमारे ट्यूब के अंदर में स्केल आ गया तो आप कितना भी हीट दोगे तो अंदर का पानी गर्म नहीं होगा लेकिन हमारा बॉयलर का ट्यूब गर्म हो जाएगा। बॉयलर का ट्यूब ज़्यादा गर्म होने से और ओवर हीटिंग की वजह से उसका मटेरियल ख़राब होके वो ट्यूब लीकेज हो सकता है फ्रेंड्स। इसलिए स्केल डिपॉजिट ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्डनेस हमारा कभी भी हमारा MB आउटलेट में नील रहना चाहिए, मतलब कुछ भी हार्डनेस नील रहना चाहिए। इसलिए हम DM प्लांट में क्या करते हैं फ्रेंड्स, मेजर इंप्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, मेजर हार्डनेस को रिमूव करते हैं, इसलिए हार्डनेस कभी भी हमारा नील रहना चाहिए। से सॉफ्टनिंग इंटरनल ट्रीटमेंट, सॉफ्टनिंग को आपको बताइए, हमारे DM प्लांट में दो तरह के सॉफ्टनर आते हैं, SB आता है, SAC आता है, RO आता है और SWA भी आता है। इसी तरह के और भी सॉफ्टनर्स आते हैं लेकिन हमारा DM प्लांट में सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस एनायन और स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन, ये दोनों ही हम सॉफ्टनर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है सोडियम अल्कलिटी, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, ये सब अल्कालाइन केमिकल्स हैं फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, फॉर्मिंग होता है कार्बोनेट फ्रॉम कार्बोनिक एसिड कॉजिस कोरोजन इन कंडेंसेट लाइन कैन कॉज इम्ब्रिटलमेंट। इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, एक मेटल का है कि ये भी एक स्थान होता है जब मेटल आप ऐसे उसके साथ आप रगड़ोगे तो उसके ऊपर का छब छिलता हुआ जाएगा, इसको हम इम्ब्रिटलमेंट कहते हैं, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। इसे हम कैसे रिमूव करते हैं, डेरेशन आयन एक्सचेंज एसिड ट्रीटमेंट। उसके बाद आते हैं सल्फेट्स, हार्ड स्केल ऑफ इफ सी एज प्रिंट। सल्फेट में हमारा कैल्शियम रहा तो हार्ड स्केल हो सकता है, इसे डी आयोनाइजेशन के साथ हम रिमूव कर सकते हैं। क्लोराइड, क्लोराइड कैरियर ऑफ वाटर लोअरिंग स्टीम एफिशिएंसी डिपॉजिट एज सॉल्ट्स ऑन सुपर हीटर्स एंड टर्बाइन ब्लेड्स फॉर्मिंग इन इफ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स। क्लोरीन भी एक बहुत बंकल होता है जो बॉयलर में नहीं रहना चाहिए, इसका भी लिमिट होता है, वैसे ही लिमिट में रहना चाहिए। जब भी हम बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करते हैं तब हमारा क्लोरीन का अमाउंट ज़्यादा हो चुका होता है, इससे हम पूरा हमारा स्टैंडर्ड रीडिंग और स्टैंडर्ड पैरामीटर जो है उसके हिसाब से हम इसको कम करके भेजना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसे हम डी आयोनाइजेशन के साथ रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है आयरन एंड मैंगनीज, डिपॉजिट्स इन बॉयलर कैन इनहिबिट हीट ट्रांसफर। सेम फ्रेंड्स, ये भी स्केलिंग डिपॉजिट के साथ स्केलिंग कर सकता है, स्केलिंग हो गया तो हमारा हीट ट्रांसफर प्रॉपर ट्यूब और फर्नेस के जगह हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और इसे ट्यूब फिलर भी हो सकता है। इससे हम फिल्ट्रेशन आयन एक्सचेंज, मतलब हमारे जो शॉर्पनर बॉडीज है ना उधर हम आयरन एंड मैंगनीज को भी रिमूव कर सकते हैं। थर्टीन एंड लास्ट टॉपिक है सिलिका, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलिका, हार्ड सिलिका इन बॉयलर्स कूलिंग सिस्टम्स टर्बाइन ब्लेड्स डिपॉजिट्स। हार्ड सिलिका कभी भी बॉयलर में नहीं रहना चाहिए, ये रहा तो ये डायरेक्ट टर्बाइन ब्लेड के ऊपर जाके बैठ जाएगा और टर्बाइन ब्लेड को वायलेट करेगा अपने मूवमेंट के लिए, इससे टर्बाइन ब्लेड का आरपीएम कम हो जाएगा और आप टर्बाइन के ऊपर पूरा अपना लोड पे आप चला नहीं सकते हो, इसलिए हमारे सिलिका को भी हम मेंटेन करना पड़ता है फ्रेंड्स। ड्रम का सिलिका आपको पता है कितना रहना चाहिए, ड्रम का सिलिका लेस देन 2 होना चाहिए और हमारा फीड वाटर का सिलिका जो है वो लेस देन 0.02 होना चाहिए। ये सब आपको पैरामीटर मेंटेन करके रखना पड़ता है फ्रेंड्स। सिलिका हमको कैसे रिमूव करेंगे, डी आयोनाइजेशन के साथ हम रिमूव करेंगे। ये डी आयोनाइजेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। आगे ऐसे ही वीडियो आएंगी टर्बाइन पावर प्लांट और डीएम प्लांट मेजरली WTP के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आएंगी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।